so without any further ado let's get into the video especially videos like we talked about the nuclear radiation detectors and we also talked about the story of fission despite of the fact that i tried my level best but still i could not reach out to more people and if you are watching this video i do request you to please take out some time and do watch them like स्टोरी ओके आई एम टॉकिंग रॉबिश नाउ सो बिफोर डेलविंग इन टू दिस अब्जेक्ट लेट इस टॉक अबाउट साइंस क्या है साइंस साइंस ओरिजिनेट हुआ है एक लैटिन वर्ड से साइंटिया विच मीन्स टू नो और इसके इक्वेलेंट अगर हम बात करें संस्कृत इक्वेलेंट की इट इज़ विजनल एंड एक अरबिक वर्ड है इल्म इन दोनों का मतलब क्या है नॉलेज तो साइंस इज बेसिकली नॉलेज साइंस इज बेसिकली अस्टमैटिक अटेम्प्ट अंडरस्टैंड नेिनोमिना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज नॉलेज सो गेन्ड टू प्रिडिक्ट मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना सो इट इज बेसिकली द इंटरप्ले ऑफ थियोरी एंड एक्सपेरिमेंट्स व्हिच इज बेसिक टू द प्रोग्रेस ऑफ साइंस ये नहीं है थ्योरी दे दी एक्सपेरिमेंट किए नहीं या एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए कि वो थ्योरी है नहीं तो दोनों का साथ साथ चलना बहुत जरूरी है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड देर इज नो फाइनल थेरी इन साइंस एंड नो अनकोश्चंड अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट्स। अ न्यू एक्सपेरिमेंट में सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव थेरेटिकल मॉडल एंड अ थेरेटिकल एडवांस में सजेस्ट यू व्हाट टू लुक फॉर इन सम एक्सपेरिमेंट तो ये तो बात थी साइंस की अब बात करते हैं फिजिक्स की फिजिक्स साइंस से ही निकला है तो फिजिक्स कह सकते हैं कि साइंस का एक पार्ट है एंड फिजिक्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच मींस नेचर नॉलेज अबाउट नेचर नेचर में क्या हो रहा है क्यों चलती है पवन हम, 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 ना तुम जानो न आंसर्स टू ऑल दो क्वेश्चन तो नेचर बहुत ही खूबसूरत है और उतना ही खूबसूरत ये सब्जेक्ट है अगर आपको इंटरेस्ट हो इसमें और जिसका मतलब ही नेचर है तो वो आप मान लीजिए कि नेचर के बिना हम क्या हैं और फिजिक्स को जाने बिना ये दुनिया क्या है ज़्यादा हो गया आई थिंक संस्कृत में एक श्लोक है विद्या ददाति विनयम विनयात याति ति पात्रता पात्रता धनम धनात् धर्मम तथ सुखम अच्छा तो फिजिक्स का संस्कृत इक्विवेलेंट है भौतिकी

सबको स्टडी करेंगे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी एंड को यूनिफाई करके बना. अंतरिक्ष में जो हो रहा है फिनोमिना को कंबाइन किया जैसे न्यूटन ने यूनिफाई किया टेरेस्ट्रियल डोमेन्स को अंडर द कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस तरह से जब हम स्टडी करते हैं फिजिक्स को इस तरह से अगर ये कार चलाएंगे अनदर थिंग इज रिडक्शन एक बड़ी सी चीज को छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड कर दो और फिर उस छोटे टुकड़े को पकड़ो और उसको स्टडी करो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट छोटे वाला टुकड़ा यू विल बी कंक्लूडिंग द रिजल्ट ऑफ द इंटायर बिगर सिस्टम दिस थिंग्स वी टॉक अबाउट इन थर्मोडाइनमिक्स जिसमें हम क्या करते हैं वी डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ़ द इंटरैक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्मॉलर पार्ट्स तो आई होप अभी तक हमने क्या डिस्कस किया वो आपको क्लियर है अच्छा अब बात करते हैं कि ये सब चीज़ें तो हमने स्टडी कर ली तो फिजिक्स के क्षेत्र क्या हैं क्षेत्र क्या मतलब डोमेन्स क्या हैं कि अगर इस फिजिक्स में काम करना है फिजिक्स अगर एक व्यक्ति है तो वो अब ये सब जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो काम किस तरह कर सकता है या तो वो

Deals with the constitution and structure of matter at minute scales like those of atoms and nuclei or even lower scales than this and their interactions with different probes like electrons, photons, and other elementary particles. Microscopic levels, pe, we deal with quantum physics, though these phenomena are usually explained with the help of quantum theory. अच्छा जी अब अगर हम आते हैं मैक्रोस्कोपिक स्केल पे तो इसमें हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स दैट डील्स मेनली विद मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना एंड इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनामिक्स तो क्लासिकल फिजिक्स में आपका बेसिक मैकेनिक्स आ गया वेयर इन वी स्टडी न्यूटनस लॉज ऑफ मोशन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड द प्रॉब्लम्स इंक्लूड मोशन और इक्विलिब्रियम ऑफ Particles, rigid and deformable bodies, propulsion of a rocket, propagation of water and sound waves, equilibrium of a bent rod under some load, etc. etc. So, is there we classical mechanics. Mein karenge. Okay, so now moving on to the next thing that is electrodynamics. So, this basically deals with the electric and magnetic phenomena associated with charged and magnetic bodies. सो हेयर विल बी टॉकिंग अबाउट सम बेसिक लॉस विच आर गिवन बाई कुलरिस्टेड एम्पियोर एंड फैरडे तो इलेक्ट्रोडमिक्स में जो प्रॉब्लम होंगी वो क्या होंगी मोशन ऑफ अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट टू एन एसी सिग्नल वोल्टेज वर्किंग ऑफ एन एंटे प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो वेव इन आइनोसफेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स ऑन द अदर हैंड डील्स विद फिन इन्वॉल्विंग लाइट Here we'll be talking about the working of telescopes and microscopes the the colors exhibited by thin films etc etc so finally we have thermodynamics which deals with the systems in macroscopic equilibrium it is basically concerned with changes in internal energy temperature entropy etc and the problems include the efficiency of heat engine and refrigerators and the direction of a physical or a chemical process so only qualitative thinking is not adequate for some scientific progress क्वान्टिटेटिव मेजरमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट इज दैट कि जो लॉज ऑफ नेचर हैं दीज आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेजन्स तो जो बेसिक लॉज ऑफ़ फिजिक्स हैं वो यूनिवर्सल हैं तो जो भी आपके ऑब्जर्व्ड नेचुरल फिनोमिना हैं ये कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशंस हैं इन्हीं सिंपल फिजिक्स के लॉज की और किसी भी ऑब्जर्व फिनोमिना को तरीका क्या होता है सॉल्व करने का किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को एज आइडियल एज पॉसिबल एज सिंपल एज पॉसिबल बना दो और उसके बाद अपने फिजिक्स के लॉज उसमें लगा दो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वन यू बिकम एन एक्सपर्ट इन डीलिंग विद दीज प्रॉब्लम्स यू विल फाइनली रीच टू दी सॉल्यूशन एंड यू विल बी एबल टू नो कि एक आइडिया लग जाता है कि ये जो चीज़ है वो किस तरह से हो रही है सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर तीन चीजें हैं विल टॉक अबाउट थ्री टर्म्स दैट यू मस्ट हैव हर्ड समवेयर इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स इट सेल्फ दीज आर हाइपाथिस एग्ज्यूम्स एंड मॉडल्स तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है हाइपोथिस क्या है हाइपोथिस इज बेसिकली एन एजम्पन विदाउट अज्यूमिंग दैट इट इज करेक्ट तो हाइपोथिस क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल मैं पागल हूँ कुड नॉट गेट एनी बेटर एग्जाम्पल देन दिस कि मैं पागल नहीं हूँ पर मैं मान लेती हूँ मैं पागल हूं सो दिस इज हाइपोथिस कि आगे आगे देखते हैं तुम पे कोई टेस्ट करे जाएंगे तुम्हारी हरकतें नोट की जाएंगी अगर तो वो ठीक हैं उस कैटेगरी में आती है तो तुम पागल हो वरना तुम बच जाओगे तो दिस इज हाइपोथिस एग्जियम एग्जियम क्या है दिस इज सेल्फ एविडेंट ट्रुथ क्या होता है वो सत्य है सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सेल्फ एविडेंट जो दिख रहा है वही सकते हैं इसके बेसिक एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं कि जैसे जैसे प्रॉबिबिलिटी लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड वन जैसे इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया और जैसे अगर मेरी पागलों वाली हरकतें हैं तो मैं पागल हूँ तो सेल्फ एविडेंट है कि ये सो दिस इज एक्सियम एंड लास्ट वी हैव मॉडल्स मॉडल्स क्या हैं दीज आर थियरीज टू एक्सप्लेन दी ऑब्जर्व फिनिना फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल है और शेल मॉडल है ये सब बना ये सब मॉडल्स बने क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स हुए एंड कुछ चीज़ें देखी गई ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स वो मॉडल्स किसी ने बनाए उस टाइम उस एक्सपेरिमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए वो थ्योरीज बनाई गई तो ये बेसिक डिफरेंस है इन तीनों में फिजिक्स की बात करें और आइंस्टाइन की बात ना कहें ऐसा कैसे हो सकता है तो आइंस्टाइन की जब हम बात करते हैं वी टॉक अबाउट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके दो पॉस्टूलेट हैं मेन वो क्या है फर्स्ट वन इज द कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच इज थ्री इंटू टेन रेस्ट बार एट मीटर पर सेकेंड एंड द सेकेंड वन इज द वैलिडिटी ऑफ फिजिकल लॉज इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ डिफरेंस मूविंग अहेड चार फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में हम स्टडी करते हैं वट आर दीज दीज आर द ग्रेविटेशनल फोर्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड द वीक न्यूक्लियर फोर्स सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या है दिस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड दिस इज द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन Two bodies which have mass, and so it is the mutual force of attraction between any two objects by virtue of their masses. So this force ki range infinite hai and it is the weakest of all the four fundamental forces. Next, we talk of the electromagnetic force, and it can be both attractive and repulsive. So, attractive or repulsive. So, this is the force that exists between charged particles charges in motion produce magnetic field and magnetic field gives rise to force on moving charges the electromagnetic force forms the basis of the macroscopic forces like tension the spring force the normal force and the force of friction so this means that we can categorize forces into two categories that is fundamental and derived so the muscular force spring force frictional force the contact forces between two bodies are some of the examples of the derived forces and the laws for the derived forces are not independent of the laws of fundamental forces. The origin of these derived forces is however very complex. And electromagnetic force ki bhi range infinite hoti hai. Next we talk about the strong nuclear force. So it is this force that binds the protons and neutrons in a nucleus. So this force is charge independent. तो so, ये फोर्स कोई भेदभाव नहीं करती कि ये मैं प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हूँ या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में हूँ या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हूँ कहते हैं कि हम समान हैं कि ये तीनों फोर्सेस जो हैं दीज आर इक्विवेलेंट तो बराबर हैं न्यूक्लियर फोर्सेस दीज आर चार्ज इंडिपेंडेंट एंड इट इज दिस फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स एंड आउट ऑफ ऑल द फोर फंडामेंटल फोर्सेज इट इज द स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स विच इज द स्ट्रोंगेस्ट इसकी रेंज काफी शॉर्ट है न्यूक्लियर साइज के इक्विवेलेंट ऑफ द द वीक न्यूक्लियर फोर्स सो इट अपीयर्स ओनली इन सर्टन न्यूक्लियर प्रोसेसिसंस्ड बाट्री पार्टिकल एज इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रीनोज और दिस हैज वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ दूपर माइनस सिक्सटीन मीटर सो विच इज न्यूक्लियर साइज तो कोई भी फिजिकल फिनोमिना है उसमें कुछ क्वांटिटीज होंगी जो कि टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे और इन क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे दीज आर कंजर्व क्वांटिटीज और कुछ कंजर्वेशन लॉज ट्रू होंगे फॉर वन फंडामेंटल फोर्स बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द अदर सो दैट वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल डू कीप ऑन वॉचिंग एंड डू नॉट गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल आई होप यू द वीडियो एंड आई विल बी बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो Till then this is Pooja saying goodbye and take really good care of yourselves.